नमस्कार, मैं राघव मखीज आपका स्वागत करता हूं जनोदय में। आइए रुख करते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों की ओर। मधेपुरा में पप्पू यादव के खिलाफ आधी रात में खुला कोर्ट, कहा मेरे खिलाफ बीजेपी ने रची साजिश। गाजीपुर बक्सर में गंगा में करीब 100 शव बरामद, यूपी बिहार में डरे लोग। बड़ी खुशखबरी, जल्द ही बच्चों के लिए आ रही है कोरोना वैक्सीन, ट्रायल की तैयारी शुरू। देश में कोरोना से दूसरे दिन राहत, बीते 24 घंटे में 3,48,000 नए मरीज मिले, दो दिन में 42,000 एक्टिव केस कम हुए। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली और कई राज्यों में भी मौसम बदलने का अनुमान। नोएडा में शराब के लिए लोग भूले सोशल डिस्टेंस, पुलिस ने 21 पर केस दर्ज किया। 17 मई की आधी रात से बंद हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 2। हमास ने इजराइल पर 100 से अधिक रॉकेट दागे, भारतीय महिला की मौत, आसमान में दिखा युद्ध का नज़ारा। झारखंड के धनबाद जिले में बिना मास्क के सड़क पर घूमने वाले दर्जनों लोगों को पुलिस ने पकड़कर मुर्गा और मेंढक बनाकर सड़क पर दौड़ाया। यूपी में पंचायत चुनाव में जंग लड़ने वाले कर्मचारी को मिले 1 करोड़ का मुआवजा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें जनउदय के साथ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जनउदय एंड हिट द बेल आइकन।